आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंजूर, आपका मेरे चैनल सात्विक कढ़ाई में बहुत बहुत स्वागत है। नवरात्रि के छठे दिन हमने बनाया है केला और बादाम का हलवा, जो बहुत ही पौष्टिक होता है और खाने में टेस्टी भी होता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम दूध गाढ़ा करेंगे। इसके लिए हमने गैस पे एक पैन रखा और उसमें 2 कप दूध डाल दिया। तो दूध को हम पहले एक उबाल आने देंगे। दूध में उबाल आ चुका है, अब हम फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे और दूध को हम गाढ़ा कर लेंगे। हम दूध को लगातार चलाते रहेंगे वरना ये तले में लग जाएगा और इसका टेस्ट खराब हो जाएगा। दूध गाढ़ा हो चुका है, अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे एक साइड में रख देंगे। अब हम एक दूसरा पैन चढ़ाएंगे और इसमें हम 2 टेबल स्पून देसी घी डालेंगे। आप इसमें मूँगफली या नारियल का तेल भी डाल सकते हैं। अब घी को हम गर्म होने देंगे। जब तक घी गर्म होता है तब तक हम केला काट लेंगे। हमने 4 केला लिया है और उसे छील दिया है। अब इसे हम बारीक बारीक काट लेंगे। एनर्जी लेवल बढ़ा रहता है, इसमें विटामिन्स, आयरन और फाइबर पाया जाता है, इसलिए व्रत के समय केले का उपयोग ज़्यादा करना चाहिए। सारे केले कट चुके हैं, इधर घी भी गर्म हो चुका है। घी को हम पैन में फैला देंगे। अब इसमें हम कटे हुए सारे केले डाल देंगे और केले को लगातार चलाते हुए हम कुक करेंगे। जब केला सॉफ्ट होने लगेगा तब हम इसमें चीनी डालेंगे। केले को भी हम लगातार चलाते हुए कुक करेंगे, नहीं तो ये कैरमलाइज होने लगेगा। केले सॉफ्ट हो चुके हैं, अब हम इसमें चीनी डालेंगे। मेजरिंग के लिए हमने ये चम्मच का इस्तेमाल किया है। ये देखिए इसकी साइज, ये खाने वाला नॉर्मल चम्मच है। इसे हम 3 चम्मच चीनी डालेंगे। केला बहुत मीठा होता है इसलिए हम ज़्यादा चीनी इसमें नहीं डालेंगे। वैसे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब चीनी के मेल्ट होने तक हम इसे फिर से कुक करेंगे। इस हलवे को खाने से पेट भरा रहता है और एनर्जी लेवल बढ़ा रहता है। केले के हलवे में कई तरह के विटामिन्स और पोषक तत्व पाए जाते हैं। चीनी इसमें मेल्ट हो चुका है, अब हम इसमें गाढ़ा किया हुआ दूध डालेंगे। आप इसमें नॉर्मल दूध भी डाल सकते हैं, लेकिन नॉर्मल दूध डालने से वो फट जाता है। दूध और केले को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे गाढ़ा होने देंगे। हलवा गाढ़ा होने लगा है, अब हम इसमें 1/4 कप पिसा हुआ बादाम डाल देंगे। बादाम को हमने दरदरा पिसा हुआ है। आप चाहें तो इसमें पिसा हुआ मखाना भी डाल सकते हैं। पहले हम मखाने को रोस्ट कर देंगे, उसके बाद मिक्सी में हम दरदरा पीस लेंगे। बादाम में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन ई, कैल्शियम जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर के लिए बहुत ही गुणकारी होते हैं। बादाम डालने से हलवा और गाढ़ा हो चुका है। ये लीजिए, हमारा केले और बादाम का हलवा रेडी हो चुका है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए हम एक किनारे कर देंगे। हलवा लगभग ठंडा हो चुका है, अब हम इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। ये हलवा पौष्टिक तो है ही, बनाना भी बहुत आसान है। इस हलवे को डायबिटीज के पेशेंट ना खाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें शुगर ज़्यादा होता है। आप चाहें तो इसमें और भी ड्राई फ्रूट्स काटकर मिला सकते हैं। हलवे को हम बादाम से गार्निश कर लेंगे। इस हलवे की रेसिपी आपको कैसी लगी है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें, जिससे हमें पता चले कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे चैनल पे आने वाली अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।
मिलते हैं अगले दिन नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।